आज मैं आपसे अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर का एक वाक्या शेयर करना चाहूंगा। बात तो बड़ी निजी है पर मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं इसे सार्वजनिक क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था, तो मेरे जो लड़के दोस्त यार थे उनसे मैं बात करने की कोशिश करता था इस बारे में, पर उनका हमेशा एक ही हल होता था कि भाई शाम को बैठ के पी लेंगे। अब पीने के बाद भी बात करने की कोशिश करो तो उनको होता था यार तू सेंट ही मत। तो मैं ज़्यादा बात जो मेरी दो लड़कियाँ थी, जो मित्र थी मेरी, एक जो मुझे पसंद करती थी, एक जिसे मैं पसंद करता था, तो उनसे थोड़ा बात मैं किया करता था। मेरे को लगता था कि मेरे अनुभव में वो ज़्यादा संवेदनशील हैं। अब समझ में आता है कि संवेदनशील तो लड़के भी होते हैं पर उन्हें टफ एक्ट करना पड़ता है। तो खैर एक दिन घर में जो पानी है सर से ऊपर हो गया और मैंने इरादा बना लिया कि अब मुझे जीना नहीं। तो मैंने कहा कि हम भाई आत्महत्या करेंगे और मैं घर से नीचे उतर गया। तो हमारा चौथी मंजिल पे घर होता था, चार सीढ़ियां जब उतर के नीचे गया तो गुस्सा वैसे ही थोड़ा शांत हो गया। दुकान पे पहुंचा तो उस वहां पे एक पे फोन लगा था, तो मुझे लगा कि यार मैं किसी से बात कर लूं। एक जिसे क्राई फॉर हेल्प कहते हैं ना, कुछ ऐसी बात थी। मैं चाहता था कि जो मेरी मानसिक स्थिति है इस समय इसको कोई सुन ले, समझ ले और मुझे मरने से रोक ले। तो मैंने अपनी पहली मित्र को फ़ोन लगाया तो उसने तो सुनते ही कह दिया रॉबिन मम्मी साथ में, मैं बात नहीं कर सकती, और उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने दूसरी लड़की को फ़ोन लगाया, उसे मैंने बताया कि देखिए मैं थोड़ा दुखी सा हूँ। तो उसने कहा हे आई गॉट फ्रेंड्स ओवर, मैं तुम्हें एक घंटे बाद कॉल करती हूँ, और उसने ये कह के फ़ोन रख दिया। तो अब इसे आप अहंकार कह लीजिए जो भी, अब मेरे पास कोई चारा था नहीं, सुनने वाला मेरे पास कोई था नहीं और घर में वापस जाना चाहता नहीं था। तो मैंने दुकान वाले से पूछा कि भैया मुझे थोड़ा जहर दे दो, जैसे फिल्मों में देखा था लोग कहते हैं कि भाई 10 रुपए का जहर खा के मैं मर जाऊंगा। तो पता तो था नहीं कि जहर कैसा दिखता है क्या होता है। तो उसने मुझे बेगौन की बोतल पकड़ा दी, मैं हैरान हुआ। बेगौन खैर ये वही कंपनी है जो आज फसलों के लिए कीटनाशक बनाती है। तो बेगौन की बोतल मेरे हाथ में, मुझे समझ ना आया कि मैं करूँ क्या। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं इसे पी लेता हूँ, इसके बाद मैं किसी अच्छे होटल में खाना खाऊंगा, फिर जाके रिज में जो जंगल है वहां जाके बैठ जाऊंगा, वहां मैं मर जाऊंगा और वहां जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, एन गेम सेट मैच। तो मैंने बेगौन पी ली, एक मैंने टैक्सी ली और मैं मौर्य होटल की तरफ चला गया। अब मौर्य होटल तो पहुंचा नहीं, रास्ते में बेहोश हो गया। टैक्सी वाला बेचारा और परेशान, उसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को बुलाया। और जब 10 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं वेलिंगडन हॉस्पिटल में था जहां पे मैं पैदा हुआ था। तो खैर सब लोग परेशान हुए, मेरी भी हेल्थ काफ़ी टाइम तक उसके बाद ख़राब रही। और ये सब कुछ जो है अवॉइड हो सकता था अगर शायद मुझसे कोई एक मिनट दो मिनट बात कर लेता। तो बात मैंने ये सार्वजनिक इसलिए की कि देखिए आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड भी नहीं है वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई फ़ोन करता है, आप जल्दबाजी में भी हैं, तो किसी को एक दो मिनट दे दीजिए। आपको नहीं पता कौन किस मनोस्थिति से फ़ोन कर रहा है, शायद किसी की जान बच जाए।